खुद से अलंकार और पलटे कैसे बनाएं? जो अलंकार हम सीखते हैं, जो पलटे हम गाते हैं, क्या वो खुद से बनाए जा सकते हैं? क्या टेक्निक है उसकी कि हम खुद से बना सकें और एक के बाद हम गा सकें और मुश्किलें हमें ना आए जब हम क्लासिकल गा रहे हैं, है ना, क्योंकि हमने उन पलटों का रियाज किया हुआ है। तो वो कैसे हैं पलटे और कैसे बनाए जा सकते हैं, आज उस पर हम ज़रा चर्चा करेंगे। तो पूरा वीडियो देखिए और जानिए कि क्या हैं वो पलटे और कैसे बनाए जा सकते हैं, क्या उसका कोई तरीका है, कोई टेक्निक है, क्या है तरीका, है ना, देखिए पूरे वीडियो में। घर बैठे निःशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रियाज ऐप एक बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन जिससे घर बैठे आप हिंदुस्तानी, कर्नाटक और बॉलीवुड संगीत सीख सकते हैं। तो कूपन कोड और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपको बेनिफिट ये होगा कि SPW के कूपन कोड से 10% आपको डिस्काउंट मिलता है। तो इसमें हर प्रकार का संगीत आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए ये एप्लीकेशन और घर बैठे सीखिए संगीत रियाज ऐप से। नमस्कार, मैं हूं मास्टर निषाद और आप सभी देख रहे हैं संगीत प्रवाह वर्ल्ड का यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि टाइटल में और थंबनेल में आपने देख लिया और स्टार्टिंग में मैंने बताया ही है कि खुद से पलटे कैसे बनाए जाते हैं, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ये वो टॉपिक है जिस पर शायद मैं पहले भी बात कर चुका हूँ और कहीं ना कहीं कुछ कुछ वीडियोस में जो मैंने पलटे सिखाए हैं, अलंकार बताए हैं, जो कहीं ना कहीं मुझसे बन पड़े थे, जो मेरे जहन में आए थे, उनको मैंने आप लोगों को सिखाया, आप लोगों को बताया, मदद करी कि इन पलटों का भी रियाज किया जा सकता है। उन्हीं वीडियोज़ में कहीं ना कहीं मैंने जिक्र किया है कि खुद से अगर ये बनाना हो तो क्या करना है, क्या उसका तरीका है। पर फिर से इसी टॉपिक, पर्टिकुलर इसी टॉपिक पर मैं चाहता था एक वीडियो बना लूँ ताकि आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर हो जाए और उस पर मैं आज चर्चा करने वाला हूँ। ये टॉपिक वैसे तो मैंने भी बताया हुआ है और मैंने कई वीडियोस में अन्य कलाकारों के भी ये चीज़ सुनी, तो मैंने ये चीज़ सोचा कि चलो उनका भी एक रेफरेंस यहाँ दे दूँ ताकि आपको एक मदद हो जाएगी। जैसे कि आपने नाम सुना होगा पंडित अजय चक्रवर्ती जी का, कौशिकी चक्रवर्ती जी जो उनकी डॉटर हैं उनका, तो कहीं ना कहीं उनकी कुछ वीडियोज़ में मैंने जिक्र सुना इस चीज़ का कि जो पलटे बनाने का तरीका है जो मैंने इस्तेमाल किया, वही उसी तरीके से वो भी बना रहे हैं, है ना, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है, मैंने भी यही चीज़ कही थी और उन्होंने भी वीडियोस में वही चीज़ बताई कि स्वर जो हैं 8 हमारे, सारे गम पध निसा, 7 स्वर हैं लेकिन हम 8वां भी काउंट कर रहे हैं, जो सा है जो तार सप्तक का, उसको भी काउंट करें। अगर इनको सारे गम पध निसा न बोलकर 1 2 3 4 5 6 7 8 बोला जाए, फिर एक पैटर्न ले लिया जाए, है ना। अलंकारों को समझने के लिए भी मैंने यही समझाया था कि जब आपके जो स्वरांगिनी के जो अलंकार हैं उन्हें आप समझना चाहते हैं तो कैसे समझेंगे, तो उनको काउंटिंग दे दीजिए 1 2 3 4, तो क्या है, हम नंबर्स में आसानी से समझ जाएंगे, है ना, कि सारे ग रे ग म ग म प म प ध। अब ये सारे ग रे ग म ये जो शब्द हैं हम इनसे फैमिलियर नहीं हैं, है ना, कि हमको नहीं मालूम कि सारे ग म प ध नि सा ये जो सीक्वेंस है ये तो पता है, लेकिन यही मैंने जंबल कर दिया, मैंने बोला 1 5 3 2 ये बोलो, तो एकदम एक बार के लिए सोचने लग जाओगे कि अरे सा के बाद 5 पे कौन सा आता है, तो हम इनसे इतना फैमिलियर नहीं है, लेकिन नंबर्स से फैमिलियर हैं, हमें मालूम है 1 5 3 2 का सीक्वेंस क्या होता है, 1 2 3 4, 1 के बाद 5 कितनी देर में आता है, 5 के बाद 7 कब आता है, वो हमको मालूम है क्योंकि नंबर्स से फैमिलियरिटी है हमारी। तो इसीलिए नंबर दे दो इनको, तो क्या होगा 1 2 3 2 3 4, है ना, 3 4 5 4 5 6 बोला तो सारे ग रे ग म ग म प जाना आसान है, है ना, आपके लिए समझना आसान है। उसी तरह से अब नए पलटे बनाने हैं तो कोई नंबर आप ले लो, एक कोई फ्रेज ले लो नंबर का और फिर उसमें देखो क्या बनता है, नया बनता है। क्योंकि क्या होगा, स्वर अगर हम लेते हैं, ये चीज़ भी मैंने उन्हीं से सुनी, कौशिक जी से, कि स्वर अगर हम लेंगे तो हम क्या करेंगे, अपने आप ही सबकॉन्शियसली आसान कॉम्बिनेशन चुनेंगे जो हमसे बोला जाता हो, है ना। अब मैं आपको बोलता हूँ सारे ग म प ध नि सा तो बोल लेते हो, सारे ग रे ग म भी बोल लेते हो, लेकिन सा प म ग ग म प ग म रे सा ये बोलने में मुश्किल आएगी, सा ग प नि सा ध म रे ये बोलने में मुश्किल आएगी, है ना, आपको मालूम नहीं ये पैटर्न कैसे गया, है ना। तो ये चीज अगर जाननी है तो नंबर दे दो उनको। अब अपन ने नंबर ले लिया है 1 3 2 4, तो अब 1 क्या हुआ सा, 3 क्या हुआ ग, 2 क्या हुआ रे, और 4 क्या हुआ म, है ना, सा ग रे म, ये हमारा एक अलंकार है सा ग रे म। अब ऐसे ही चलते जाओ सा ग रे म, अब 1 2 3 4 क्या बोला था मैंने 1 3 2 4, तो अब 1 जो है वो रे बन जाएगा क्योंकि सा ग रे म ये सा से तो हो गए, अब रे से शुरू करना है तो अब रे को 1 मानो तो रे ग म प है, अब इनमें 1 1 3 2 4 करना है तो रे म ग प, है ना, सा ग रे म रे म ग प, सा ग रे म 1 3 2 4 रे म ग प 1 3 2 4 सा ग रे म गा पा माधा माधा पानी पानी धा सा,
है ना, सागर रे मा रे मा गा पा गा पा मा धा पा धा पानी पानी दा सा साधा साधनी पानी पधा मा साधनी पानी पा, है ना, 1 2। अब जब उल्टा आ रहे हैं तो उल्टे में ये नहीं कि 8 7 6 5 4 3 2 1, नहीं, अब उल्टा आ रहे हो तो तार सप्तक वाले सा को 1 मानना है और वहां से 1 2 3 4, यानी कि सानी धपम अग्रे सा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या पैटर्न जा रहा था, 1 3 2 4, तो 1 3 क्या हुआ सा ध, फिर 2 4 तो नी प, है ना। ऐसे आप इसको लिख भी सकते हो, है ना, एक अपना सामने कॉपी रख ली तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिया और सारे गम पद नहीं सा लिख लिया। अब कोई भी नंबर्स का पैटर्न उठा लो और उससे बनाना शुरू कर दो, तो इससे आप अपने पलटे बना सकते हो, है ना, खुद की क्रिएशंस कर सकते हो। और जाहिर बात है ये भी है, जब आप क्लासिकल सीखने लगते हो, आलाप ताने बनाने लगते हो खुद से, कुछ कुछ एग्जाम्पल्स करने के बाद, गुरुओं की सिखाई हुई आलाप तानों करने के बाद, फिर अपने आप ये जो उपज है ये होने लगती है। फिर आपको ये ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा कि नंबर उठाए और ये किया, ये भी आप कर सकते हो, ये भी एक तरीका है, लेकिन उपज जो है वो अपने आप होने लगती है। फिर राग अनुसार चलन अनुसार अपने आप आपके मुंह से स्वर निकल पड़ते हैं कि ये पैटर्न ऐसा जाएगा। और कुछ अलंकारों का रियाज अगर आपने किया हुआ है तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे वो जो उपज है वो डेवलप हो जाती है। तो अच्छी चीज़ों का रियाज करने से ये एक फ़ायदा होता है कि अच्छी चीज़ें डेवलप होती हैं, अच्छी उपज जिसको हम कहते हैं ना, जो हमारी क्रिएटिविटी है, जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो डेवलप होती है, है ना, अच्छी चीज़ों का रियाज करने से। तो कुछ कुछ पलटे जैसे मैंने जो अभी स्टार्टिंग में गाया था, सागर रे ग सा रे नि सा, है ना, अब ये पैटर्न को अगर आपको समझना है, मैंने सिर्फ इतना दे दिया कि सागर रे ग सा रे नि सा, इससे पूरा अलंकार बनाओ, तो कैसे बनाओगे, आपको मालूम ही नहीं है सागर रे ग सा रे नि सा, ये तो सा से हो गया, अब रे से कैसे बनाओगे, तो इसको नंबरिंग कर दो, सागर रे ग 1 3 2 3 सा रे नि सा 1 2 0 1, है ना, 0 0 इसलिए बोला क्योंकि सा से नीचे है तो 0 1। अब यही फॉर्मेट ले लिया, 1 3 2 3 1 2 0 1, अब यही रे से फॉलो करो, रेगा मापा, ये 4 सुर हैं आपके पास, अब 1 2 1 3 2 3 1 2 0 1, रे मा गा मा रे गा सा रे 1 3 2 3 1 2 0 1, गा पा मा पा गा मा रे गा मा पा धा मा पा मा धा पा धा मा पा गा मा पा नी धा नी पा धा मा पा धा सा नी सा धा नी पा धा नी रे सा रे नी सा धा नी सा गा नी रे सा रे नी सा। तो नंबरिंग दीजिए, है ना, और इन चीज़ों का रियाज कीजिए। बाकी कुछ नए नए पलटेज हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जिनकी मैं लिंक आपको, जिनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और एंड स्क्रीन्स में भी मिल जाएगा, तो उनको देखिए, उनका रियाज कीजिए, अपने आप नई उपज बनेगी। ठीक है, ऐसे ही देखते रहें संगीत प्रभा वर्ल्ड के चैनल को, सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक कमेंट शेयर करें इस वीडियो पर, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे। धन्यवाद।